प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अंजलि, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को स्विमिंग सीखनी ही चाहिए, और जिसे स्विमिंग आती हो उसे भी रोज करना चाहिए, बिकॉज स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। तुम्हें तो जाना ही चाहिए, काहे की परमिशन? थैंक यू। यू आर वेलकम मैडम। आप कितने अच्छे पति हो, मुझे कभी भी किसी बात के लिए ना ही नहीं कहते। अरे अच्छा पति वती कुछ नहीं होता, बात होती है समझदारी की। हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए जीवन में, हमें चाहते हैं कि नहीं। और तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो अगर मैं तुम्हारी भावनाओं का रिस्पेक्ट नहीं करूं तो कौन करेगा? आप जैसी समझ दुनिया के सारे पति में हो ना, तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा ही ना हो। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि तुमने। भाई जीवन में जितने अधिकार पति को है उतने पत्नी को भी है, ये समझना चाहिए पतियों को, लेकिन ये लोग हैं कि समझते नहीं है। असल में एक दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि पत्नी पति से कम नहीं है। दुनिया भर के सारे पति को आप जैसे समझदार पति होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे जेठा भाई आइए। अरे आइए आइए हुजूर, आज रात के वक्त यहाँ तशरीफ कैसे? वो आपसे कुछ बात करने थे तो मैं बोला। हाँ बोलो। वो बोलो ना जेठा भाई। अरे अंजलि भाभी, कुछ आज जूस बूस नहीं पिलाएंगे? बहुत दिन हो गए आपने अपने हाथों से बनाया होगा जूस नहीं पिलाया मुझे। ओ माय गॉड, आप जूस पियोगे? फिर तो अभी ताजा बना के लाती हूँ। भाई जेठालाल, तुम्हारी ये बेचैनी भरी बॉडी लैंग्वेज ये उत्सुकता साफ बता रही है कि तुम जूस पीने तो नहीं आए। अरे वाह मेहता साहब, आप क्या समझदार, आप कितने होशियार है, आप मेरे हर सवाल का जवाब हो। अच्छा आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, प्रॉब्लम घर के बाहर की है ना? कैसे पता चला आपको? भाई जाहिर सी बात है, अगर घर की कोई प्रॉब्लम होती ना तो तुम बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह आते और यहाँ सोफे पे ऐसे आराम से बैठे होते, अरे स्प्रिंग की तरह उछल रहे होते। बोलो क्या बात है? क्या बात है मेहता साहब, क्या बोलते हैं, परफेक्ट जजमेंट। चलो अभी अंजलि भाभी है उसके पहले बात मैं जरा कर लूं। आपको याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि जेठालाल हर इंसान को लाइफ में एक बार स्विमिंग जरूर सीखना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि पपिता जी से स्विमिंग सीख लूं। मेहता साहब आप तो दिन ब दिन अंतर्यामी होते जा रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मुझे लगता है आपको हिमालय में मिलने आना पड़ेगा। अब तुम हिमालय में भी चढ़ जाओ ना तो बबीता जी से स्विमिंग नहीं सीख सकते। क्यों? क्यों क्या भाई, बबीता जी 1-3 के बीच में स्विमिंग सिखा रही हैं। तो मुझे वही टाइम सूट होता है मेहता साहब, क्या 1-3 में घर की कम रहती है तो मैं 1-3 में ही जा सकता हूँ सीखने के लिए। आपको तो सूट होता है लेकिन जो स्विमिंग पूल के रूल्स है उनको सूट नहीं होता, क्योंकि 1-3 का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए, जेंट्स आर नॉट अलाउड। क्यों? अरे क्यों क्या, रूल है उनके। अरे ऐसा कैसे, जो मन में रूल बना दिया ऐसा थोड़ी चलता है मेहता साहब। नहीं मतलब हम जैसे जेंट्स जिनको 1-3 का टाइम मफक आता है वो लोग क्या करे है? क्या 1-3 में अलाउड नहीं है तो क्या स्विमिंग सीखा ही नहीं है? क्या जेंट्स लोग आदमी नहीं है, उनको उनको भावना नहीं है? अरे हम जैसे जेंट्स कौन सा स्विमिंग पूल का पानी खटखटा है? अरे भाई उस स्विमिंग पूल में जाओ जो स्विमिंग पूल यूनिसेक्स हो। क्या हो?
अरे यूनिसेक्स मतलब जहाँ लेडीज और जेंट्स एक साथ एक समय में दोनों अलाउड हो। भाई कई जगह रूल्स होते हैं, वहां उस समय पे नहीं आ सकते जेंट्स, तो नहीं आ सकते। यूनिसेक्स सलून होते हैं, जिम होते हैं, वैसे स्विमिंग पूल होते हैं जहाँ दोनों आ सकते हैं। ओ भाई वो सब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे इधर 1-3 में बबीता जी के पास स्विमिंग सीखना है भाई, बस उसमें आप मेरी मदद करो बस। अरे क्या मदद करो, क्या स्विमिंग पूल के रूल्स चेंज करा दूं? ये आइडिया अच्छा, करो करो। अरे क्या हाँ का आइडिया अच्छा, मैंने नहीं बनवाया स्विमिंग पूल, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, श्योर श्योर। ये दोस्ती, यही दोस्ती। बोलो 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 बोलो, कट्टी लीजिए, लौकी का ताजा जूस तैयार, इनको पिलाओ। मैं जा रहा हूँ अब्दुल की दुकान पे, इच्छा हो तो आ जाइएगा। अरे जेठालाल, अरे जेठा भाई को क्या हुआ? अब अरे हाँ, घर से लौकी की सब्जी खा के आया था और तुम लौकी का ही जूस ले आई, तो गुस्सा हो गया वो। ठीक है तो अब दोनों आपको पीने पड़ेंगे। हाँ। गुड़बान गुड़बान मारिए कमान। अरे क्या रोशन भाभी, आज माधवी भाभी को हरा देना, कमान कमान। बबीता जी, हेलो बबीता जी। हाय जेठा जी। कुछ कहना है आपको? हाँ वो जडालाल, चलो सोडा पीने, बाद में कोई बात। ओके। आज मैं जीतूंगी। अच्छा सुनो, बस करो। हाँ बाबा। थक जाओगे तो कल फिर स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। और प्लीज कल सब टाइम पे सिल्वर क्लब पहुंच जाना, ओके? अरे डोंट वरी बबीता, हम लोग सब आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? पहुंच जाएंगे ठीक टाइम पर। और वैसे भी बच्चे तो स्कूल में गए होंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और माधवी भाभी, कल के अचार पापड़ का ऑर्डर जल्दी जल्दी खत्म कर देना। अरे अंजलि भाभी, मैंने तो कल के ऑर्डर आज ही पूरे कर दिए। अरे और प्लीज सब अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूलना नहीं, ओके? वाह मेहता साहब वाह, आपका आर्टिकल पढ़ा, 26 नवंबर के मुंबई अटैक पर आपने जो लिखा है ना, वो सारी बातें दिल को छू गई। मतलब उस आर्टिकल में सारी बातें थी, मतलब तंस कसना, व्यंग, जागरूक नागरिक का फर्ज, मतलब एकंदरीत बहुत बढ़िया आर्टिकल था। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है क्या बात है मेहता साहब, ये आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था, कमाल का व्यंग है आपके लेखन में। भाई व्यंग से याद आया, रात को 10 बजे सब टीवी पे एक नया सीरियल शुरू हुआ है, लापता गन, कमाल का व्यंग है उसमें, मुझे तो बहुत मजा आता है देखने में। अरे वो सीरियल तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, मैंने भी एक आध एपिसोड देखा था उसका, बढ़िया सीरियल है। अरे भाई पसंद क्यों नहीं आएगा लापता गंज? लापता गंज पसंद आने का जो मुख्य कारण है वो शरद जोशी जी हैं। अरे उनकी पैनी निगाह, उनकी कलम किस चीज पे नहीं चली, चाहे वो राजनीति हो, अव्यवस्था हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उनसे बची हो। क्या क्या वाक्य लिखते थे शरद जी, जैसे हमारी सरकार तरक्की के लिए बहुत ठोस कदम उठाती है, पर वो इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं। अब ऐसा व्यंग्य हो और उसपे बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया सीरियल हो जिसमें हमारे ग्रामीण जीवन की इतनी मनोरम झलक हो, तो अच्छा तो लगेगा ही। मेरे ख्याल से इसीलिए लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। ओहो आइए। थैंक यू। वो मुझे बोल रहा है तो तुम थैंक यू बोल दो। आइए आइए जेठा भाई। अब्दुल जरा सोडा पिला। मेहता साहब आपका ग्लास कहाँ है? नहीं भाई आज मैं सोडा नहीं पीऊंगा ना। क्यों भाई मेहता साहब, आज आपने सोडा पीना कैंसिल क्यों कर दिया? अरे ये इन महाशय की वजह से। पूछिए क्यों? क्यों? अरे शाम को घर पे आए थे, कहने लगे अंजलि से कि भाभी आज कुछ पिलाइए, तो अंजलि ने लौकी का जूस बनाया और जब लौकी का जूस सामने आया तो फिर निकल लिया कि मैं तो नहीं पीता। और अंजलि को तो आप जानते ही हो कि कुछ भी चीज वेस्ट तो होने ही नहीं देती, इनके हिस्से का भी लौकी का जूस मुझे पीना पड़ा, दो दो ग्लास पी के आ रहा हूँ। अरे तो आप मुझे कैसे भूल गए, आप मुझे बुला लिया होता। कोई गल नहीं डॉक्टर आती,
और मेहता साहब के हिस्से का सोडा तू पी ले यार। रेडी है लो, ऐश करो ऐश। ओए आज तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की औरतें करेंगी स्विमिंग पूल में जाकर। वैसे दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों की एक बात तो कहनी पड़ेगी। कौन सी बात मेहता साहब? अरे भाई इनकी बॉन्डिंग की बात, इनके आपस के रिलेशन की बात, इनकी एकता की बात। देखो ना सब काम मिलकर कैसे एकता से करती हैं। कभी भी ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ती नहीं है, रूठती नहीं है, एकदम एक होकर रहती हैं। ये तो है। हाँ मेहता साहब ये आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में औरतों को 100% मार्क्स देने चाहिए, चाहे वो अहमदाबाद जाकर चनिया चोली की शॉपिंग करनी हो, चाहे स्विमिंग पूल में जाना हो, या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का कोई कार्यक्रम हो, औरतें हमेशा साथ में रहती है। इसलिए भाई मेरा तो ये मानना है कि औरतें गॉसिपिंग करके लड़ाई करती है, ये सोचना ही हमें कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, एकता तो हम में भी है। हाँ है ना, लेकिन औरतें जीतनी नहीं, हमारी एकता यहाँ पे आके सोडा पीने तक ही सीमित। तो हम सब मिलजुल के एक साथ अपनी एकता दिखा देते हैं। वो कैसे? ओ पार्टी जाटी करके। बोलना थोड़ी बोलना। एक बार मुर्गा सुबह उठकर कुकड़ू को करना भूल सकता है, लेकिन तू मौका मिलते ही पार्टी शार्टी की बात करना नहीं भूल सकता। वो क्या बोल रहा है तू? और जब पार्टी शार्टी होती है तो सबसे पहले वहाँ चौकड़ी मार के बैठ के, और ये तेरा स्टाइल है ये आया ऐसे कौन करता है? सबसे पहले बात करता है। देख सोड़ी बात यहाँ पे पार्टी की नहीं हो रही है, बात एकता की हो रही है। नहीं नहीं वो क्या मुर्गा और मैं बांग, क्या कौन देगा मुर्गा और कौन बकेगा बांग, क्या बोल क्या रहा था तू? तू गलत सोच रहा है, नहीं क्या बोल रहा तू? देख लीजिए हाथी भाई एकता का प्रदर्शन। एक मिनट, देखिए हम सब मर्द लोग मिलजुल कर अपनी एकता दिखा सकते हैं, पूछिए कैसे? कैसे? कल हम सब मिलजुल कर एक साथ सिल्वर क्लब में स्विमिंग करने जाएंगे। अच्छा दोस्तों भाई सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह 7 बजे सिल्वर क्लब पहुंच जाते हैं। 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा पोपट, हम लोग 9 बजे जाते हैं। 9 बजे भी जल्दी हो जाएगा, मेरा ट्यूशन होता है 9 से 11 बजे चलते हैं ना। एक मिनट, 7 नहीं 9 नहीं 11 नहीं, 1 से 3 के बीच में जाते हैं, सब लोग फ्री रहेंगे, मजा आएगा। 1 से 3 जेठालाल 1 से 3 के बीच तो जा ही नहीं सकते, वो लेडीज लोग का टाइमिंग है। अरे लेडीज टाइम छोड़ो, वो लंच टाइम है। नहीं नहीं भाई कुछ भी हो जाए मैं बबीता जी से स्विमिंग सीख कर रहूंगा। बबीता जी मैं कल आ रहा हूँ स्विमिंग सीखने। बबीता जी, जीठा जी और आप यहाँ? हाँ बबीता जी। पर ये लेडी स्विमिंग है, आप अभी नहीं आ सकते। बबीता जी मेरे को, मैंने बोला ना यही टाइम मैं फ्री होता हूँ, और इधर मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया तो मान गया वो लोग, बोले कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। चलो अभी सिखाइए मुझे है? चलो चलो रेडी, अंदर आता हूँ आप मुझे सिखाइए। अरे वाह, कितना अंदर है? बहुत अंदर है, ठंडा पानी। एक मिनट रुक जाइए बबीता जी, रुक जाइए पहले मुझे। अरे ओ आप मुझे स्विमिंग सिखाने वाले हैं ना, तो आप मेरा गुरु हुए, तो मैं आपके पैर झुके आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन भूल गया कि हम दोनों पानी में खड़े हैं, तो थोड़ा पानी पी के हमें अच्छा है ना पानी। हाँ ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आप मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्विमिंग सीख जाऊँ है, और आपकी तरह एक दिन मैं भी सबको स्विमिंग सिखा सकूं। अभी स्विमिंग करें? अभी क्या करना है? पहले बैलेंस कीजिए अपने आप को। अच्छा ओके ओके, अच्छा अच्छा, ये पानी बाजू हटो, ऐसा ये पानी बाजू हटो, अरे तो आसान है एकदम ऐसा। ढाई बार में तो
बहुत मजा आता होगा नहीं बबीता जी? हाँ, पहले तो स्विमिंग सीखना पड़ता है, उसके बाद ही वो करते। डाइव मारना सिखाओ प्लीज। डाइव मारना सिखाना क्या क्या? मैं आपका डाइव मार के दिखाता हूँ। अरे बहुत बढ़िया होते, ये तो आ गया। अरे मैं अभी डाइव मार के आता हूँ, रुको। जेठा जी रुकी, जेठा जी आपको स्विमिंग नहीं आती, रुकी। बबीता जी देखिए इधर। स्विमिंग पूल में कारपेट, पानी कहाँ गया? अरे अब खड़े क्यों हो गए? कुछ नहीं, पानी चाहिए। टोपी क्यों परेशान कर रहा है अपनी मम्मी को? देख बेटा, ऐसे शरारत नहीं करते। अरे शरारत करना तो आसान है, सभी बच्चे करते हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, अपने माँ बाप को तंग नहीं करते, सब लोग उसी की वाह वाह करते हैं, समझा? सॉरी दादाजी, टप्पू आपकी बात याद रखेगा। टप्पू सिर्फ याद ही मत रखना, उसको अमल में भी लाना बेटा। ओके मम्मी। जय जिनेंद्र मम्मी, जय जिनेंद्र दादाजी। अरे अरे टप्पू रे, ये बैग तो लेके जा। टप्पू, अरे दया, रुमाल कहाँ रखा है? हाँ देती हूँ। हेलो, अरे क्या हुआ? अचानक खांसी कैसे शुरू हो गई? किसका फोन है? शुरू हो जा। कैसी हो? माँ, आज हम सारी लेडीज सिल्वर क्लब में स्विमिंग सीखने के लिए जाने वाली है। हाँ, वो हमारे बबीता जी है ना, वो हम लोगों को स्विमिंग सिखाने वाले है। पर्स देती हूँ क्या? नहीं नहीं, हम सिर्फ लेडीज है ना, इसलिए गुब्बारा साथ में नहीं आएंगे। गुब्बारा? गुब्बारा ये मेरी सास को 20-25 गुब्बारे के साथ बांध कर ऊपर आकाश में छोड़ देनी चाहिए और फिर प्लेन में जाकर हर एक गुब्बारे में से टाचनी मारनी चाहिए। दया, एक मिनट, फोन चालू रखो। बा एक मिनट, लेडीज पर्स। सॉरी, माँ के फोन में तो ये दीवानी हो जाती है। एक मिनट चालू रखो प्लीज, ठीक है? जय जिनेन्द्र। एक मिनट चालू रखो। जय जिनेन्द्र। तो मैं क्या कहती हूँ कि बबीता जी कहती थी कि वो क्या स्विमिंग करती है। हाय, मैं मर जाऊं। वो जब स्विमिंग करती है ना तो लोग देखते रह जाते हैं। देखना है भाई, मुझे भी देखना है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पता है एक बार बबीता जी के साथ क्या हुआ? अरे टप्पू स्कूल गया है। हाँ हाँ, टप्पू मजे में है। फिर सुनना, बबीता जी ने एक बार स्विमिंग पूल में 30 फुट ऊपर से भूसका मारा। फिर 5 मिनट तक अंदर ही रहता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्या करूं बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए, क्या करूं? क्या मेहता साहब ने भी हेल्प करना सा मना कर दिया? क्या काम करता हूं ना, डायरेक्ट बबीता जी से बात करता हूं।
यानी कि तारक मेहता। मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ जेठालाल का, ये आप जानते हैं, और मैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड हूँ। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, हमेशा मदद करता हूँ, सलाह देता हूँ, लेकिन आज मैंने भी मना कर दिया। भाई मैं कैसे हाँ भर दूं कि 1 से 3 के बीच जब जेठालाल को स्विमिंग सीखने के लिए जाना है, और वो भी तब जब वो सिर्फ औरतों का समय है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ इस मामले में। लेकिन जेठालाल कहाँ मानने वाले हैं, अब वो बबीता जी के पास पहुंचने वाले हैं कि वो कुछ मदद कर दें। भाई जब किसी की नादानी समझदारी पे भारी पड़ जाए तो ऐसा ही होता है। अब बबीता जी उन्हें क्या जवाब देंगी कोई नहीं जानता, और अभी गोकुलधाम की महिलाएं स्विमिंग सीखने के लिए जाने वाली, और अब जेठालाल इस वक्त में पहुंचने के लिए क्या क्या करते हैं आप सोच सकते हैं। ये सिचुएशन ठीक वैसी है जैसे आंख बंद करके कार चलाना। अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एक्सीडेंट तो होंगे, लेकिन कितने भी एक्सीडेंट हो आपके लिए तो एक ही चीज है, हंसी ठहाके। अब ये जो स्विमिंग पूल है हास्य का, इसमें डुबकी मारने के लिए तैयार रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।